नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए साइबर अटैक की बात करेंगे। जैसे कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किस प्रकार का साइबर हमला हुआ और जो हमला हुआ है ऐसे हमलों का उद्देश्य क्या होता है, इत्यादि सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात को स्वीकारा है कि कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उसके एक कंप्यूटर पर मैलवेयर हमला हुआ है। दोस्तों, एक दिन पहले संयंत्र के अधिकारियों ने कहा था कि वहां के सिस्टम पर हमला करना संभव ही नहीं है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL ने कहा है कि हमले से संयंत्र की कंप्यूटर से होने वाली कार्य प्रणाली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसी साल जब 4 सितंबर को इस तरह की खबरें पाई थी तो उन्होंने इस मामले को तुरंत CERT यानी कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम को सूचित भी किया था। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों ने तुरंत इस मामले की छानबीन भी करना शुरू कर दिया है और जाँच में पता चला है कि प्रभावित कंप्यूटर एक यूजर का था जो कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा था। दोस्तों, यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि मैलवेयर द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है और इनका प्रयोग कंप्यूटर पर किसी के पहचान को चोरी करने या गोपनीय जानकारी को चुराने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जाँचकर्ताओं ने बताया है कि यह अति महत्वपूर्ण नेटवर्क से अलग था और नेटवर्क की लगातार निगरानी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जांच टीम ने इस बात की पुष्टि भी की है कि संयंत्र की प्रणाली किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि मंगलवार को कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपने सिस्टम पर साइबर हमले की आशंका को निराधार बताया था और कहा था कि इस पर हमला करना संभव ही नहीं है। दोस्तों, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रशिक्षित अधिकारी और सूचना अधिकारी ने कहा था कि साइबर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर आई खबरें झूठी हैं और साफ किया कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नियंत्रण प्रणाली स्वतः काम करती है और यह बाहर से किसी भी साइबर नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, बाद में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मालवेयर हमले की बात को स्वीकार कर लिया गया और उसके कुछ घंटे बाद DMK प्रमुख MK स्टालिन ने कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कंप्यूटर पर हुए मैलवेयर हमले की केंद्र सरकार से जांच करने की मांग की और उन्होंने कहा कि यह साइबर हमला चौंकाने वाला है और इससे पर्याप्त सुरक्षा उपायों की खामियों को उजागर किया है और केंद्र को इसकी उचित जांच करनी चाहिए।